आदाब नाजरीन, आईएनटी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। मरकजी बीजेपी हुकूमत के जबरदस्त मुतनाज़िया बन जाने वाले सीएए व एनआरसी बिल्स की तायद में अब भारत की यूनिवर्सिटीज के तुलबा व तालिबात भी रैलीज निकाल रहे हैं और हुकूमत उन्हें तहफ़ देते हुए ये जाहिर कर रही है कि हुकूमत के बिल्स को अवाम की तायद हासिल है। यानी कि भारत की अवाम पर अब ये डोगलापन जाहिर हो गया है कि जामिया मिलिया के तुलबा के एहतजाज को कुचलते हुए कई तुलबा को ख़त्म करके कहा गया था कि तुलबा का काम पढ़ना लिखना है, लेकिन कमज़ोर जहन के जो तुलबा तायद में रैली निकाल रहे हैं उससे हुकूमत अपने बिल्स की तायद बतला रही है। हालांकि 75% SC ST की आबादी पर सारा भारत टिका हुआ है और पसमानदा तबकात के पास रहने के लिए घर ही बड़ी मुश्किल से हैं, कागजात कैसे महफूज रहते। बहरहाल भारत के मौजूदा माहौल में आज़ादी की लड़ाई का वो मंजर सामने आ गया जिसकी तारीख में खून से तहरीरें लिखी हुई हैं, और जिस तरह से उस वक्त भारत के ही कुछ लोग अंग्रेज़ों का साथ दिए थे उसी तरह आज हैदराबाद की उस्मानी यूनिवर्सिटी के ABVP के तुलबा ने भी मुतनाज़ा बिल्स की तायद में रैली निकालकर तारीख को दोहराया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।